नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। ज्योतिष शास्त्र की माने तो घर में कुछ पेड़ पौधे लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इन पौधों में इतनी शक्ति होती है कि इससे आपके घर से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और नकारात्मक शक्तियाँ दूर भाग जाती हैं। लेकिन किसी भी पौधे को लगाने से पहले कुछ विशेष नियम और सही दिशा भी निर्धारित की गई है, जिससे खुशहाली बनी रहे। घर में लगाए जाने वाले ऐसे ही पवित्र पौधों में से एक है शमी का पौधा। यदि हम शास्त्रों की माने तो इसे शनिदेव का पौधा भी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस पौधे को सही दिशा में लगाने से शनि की बुरी दृष्टि से बचा जा सकता है। इस पौधे को घर में लगाने से भगवान शिव की कृपा भी बनी रहती है, इसलिए ही शमी की पत्तियां शिवलिंग पर अर्पित की जाती हैं। ज्योतिष में जिस तरह इस पौधे के लिए सही दिशा की बात की जाती है, उसी प्रकार मान्यता है कि इस पौधे के पास कुछ विशेष चीजें रखने से भी बचना चाहिए, नहीं तो आपके इसके फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। तो चलिए जानते हैं क्या है इसके फायदे नुकसान। यदि आपके घर में शमी का पौधा लगा हुआ है तो आपको भूलकर भी इसके आसपास कूड़ा इकट्ठा नहीं रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि इस पौधे के आसपास आप कूड़ा रखते हैं तो शनिदेव नाराज हो जाते हैं और घर में शनि दोष हो सकता है। चूंकि इस पौधे का संबंध शनिदेव से है, इसलिए ऐसा करने से आप शनिदेव की नाराजगी का कारण भी बन सकते हैं। जिस घर में जिस स्थान पर शमी का पौधा रखते हैं, उस स्थान पर आप कभी भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जूते चप्पल के माध्यम से घर के भीतर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, और यदि आप शमी के पौधे के पास इन्हें रखते हैं तो ये आपके लिए और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इससे शनिदेव आपके ऊपर नाराज हो सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आपकी समृद्धि रुक सकती है और बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि शमी का पौधा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, वहीं शिव पूजन में तुलसी का पत्तियां वर्जित है, इसलिए आपको कभी भी तुलसी के पौधे के साथ शमी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। यदि आप इन दोनों पौधों को घर में रखती हैं तो इनके बीच दूरी बनाए रखना जरूरी है। दोनों पौधों को एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में रखें। शमी और तुलसी को एक साथ लगाने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त नहीं होती है। यदि आप बाथरूम के आसपास पौधे को रखते हैं तो भूलकर भी शमी के पौधे को ऐसे किसी भी स्थान पर ना रखें जहां आप शमी का पौधा ऐसे किसी स्थान पर ना रखें जो बाथरूम से 5 फीट से कम दूरी पर हो। इसके साथ ही आपके शमी का पौधा किचन के बाहर भी नहीं लगाना चाहिए। यदि संभव हो तो जिस घर में शमी का पौधा हो वह मांस मदिरा के सेवन से बचें। यदि आप घर में नया शमी का पौधा लगाने जा रहे हैं तो कोशिश करें कि घर के मुख्य द्वार के ऐसे हिस्से में लगाएं जिससे घर से निकलते समय दाहिने हाथ की तरफ हो। इस पौधे को आप पूर्व या उत्तर पूर्व की दिशा में तरफ लगाएं तो ज्यादा बेहतर माना जाता है। आप इस पौधे को घर की छत में भी रख सकती हैं। इस पौधे को यदि आप शनिवार के दिन घर में लगाती हैं और नियमित रूप से इसकी पूजा करती हैं तो ये आपके लिए ज्यादा फलदायी हो सकता है। यदि आप घर में शमी का पौधा लगा रही हैं तो आपको यहाँ बताई गई बातों का यदि आप घर में शमी का पौधा लगा रही हैं तो हमारे द्वारा बताई गई बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, जिससे घर में खुशहाली बनी रहे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।